आगे हम बात करें तो एटीएस की टीम ने रांची, गुमला और रामगढ़ में छापेमारी कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गुमला से शिव, रांची से रवि और रामगढ़ के पतरातू से अनु नाम के अलावा एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरिडीह केंद्रीय कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया मामले में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गिरिडीह जेल में बंद अपराधी अमन साहू ने विशेष सुविधा नहीं मिलने के कारण जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया पर गोलीबारी की साजिश रची थी और इसे लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। अमन साहू के गुर्गे हिमानी प्रिया की सारी गतिविधियों पर नजर भी रख रहे थे। हालांकि इससे पहले एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमन साहू गिरोह के द्वारा गिरिडीह जेल के केंद्रीय कारा गिरिडीह जेल की जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को कुछ दिनों पहले धमकी दी गई थी अमन साहू गिरोह के द्वारा। इसमें गिरिडीह मुफसिल कान संख्या 225/24 दिनांक 5/7/24 को रजिस्टर किया गया था। तो इन लोगों के द्वारा अमन साहू, मयंक सिंह, चंदन साहू जो अभी रांची जेल में बंद है, इन लोगों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर ही गिरिडीह जेल सुपरिंटेंडेंट के जो घर में, जो कि देवघर जिले में पड़ता है, देवघर टाउन में पड़ता है, वहां पे ये लोग एक कांड करने वाले थे। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई। वहां पे घर पे इन लोगों के द्वारा फायरिंग की जाने वाली घटना को का षड्यंत्र रचा जा रहा था कि उसके घर पे जाएंगे, फायरिंग करेंगे और संभवतः उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पे भी फायरिंग करने की कोशिश की जा सकती थी। तो इसमें हम लोगों ने एकदम सौसमय काम किया। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की, जिसमें से एक रोशन कुमार सिंह जो 15 ओपी रांची का रहने वाला है, एक अविनाश कुमार जो पतरातू थाना रामगढ़ का रहने वाला है, एक शिवशंकर कुमार जो 15 ओपी रांची का रहने वाला है और एक अजय कुमार ठाकुर जो साहिबगंज जिले का रहने वाला है। और इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए अगर हम बात करें तो एटीएस की टीम को माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी मुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मुर्शीद, देखिए अगर हम बात करें तो एटीएस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और अमन साहू गिरोह के जो प्लान हो रहे थे, प्लानिंग की जा रही थी, गोलीबारी की जा रही थी कारा अधीक्षक पर, तो उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया एटीएस ने और 4 जो गिरोह के सदस्य हैं वो भी गिरफ्तार किए गए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, आपको मैं बता दूं कि झारखंड में एटीएस अब थाम ली है कि जो अमन साहू का गिरोह है वो गिरोह को खत्म करने के लिए। वही तहत अमन साहू का गिरोह का एक सूचना मिल रही थी, गुप्त सूचना, और गुप्त सूचना के आधार पर जो है एटीएस गुमला जाकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर जो पूछताछ में एटीएस के पूछताछ में निकलती है, उसके बाद अलग अलग रांची के अलग अलग जिलों से जो अमन साहू का गिरोह को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार में लगभग 4 अपराधी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद एटीएस के एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लोग जो है अलग अलग जो है जो घटना को अंजाम देने वाले थे, उसके बाद जो है एटीएस त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमला से पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो है अलग अलग जो अमन साहू का गिरोह है वो गिरोह को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। पूछताछ में ये निकल के सामने आती है कि कहीं ना कहीं इन लोग का, अमन साहू का गिरोह के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़ा अपराधी का अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले था। जी देखिए, जाहिर सी बात है अगर हम बात करें अमन साहू की मुर्शी, तो अमन साहू फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल से भी अमन साहू के गिरोह जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं लगातार। और सिर्फ अमन साहू का ये पहला मामला नहीं है जब जेल से अंदर से किसी साजिश को बनाया गया हो, रचा गया हो किसी पर गोलीबारी करने की। इसके पहले भी हमने अमन साहू से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई हैं। हमारे पास जो अपडेट सामने आए कि अमन साहू जेल के अंदर से ही अपनी पूरी साजिश रचता है और अपने गिरोह को सक्रिय करता है और जो कहते हैं कि अपराध को अंजाम देने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अमन साहू के ऊपर? देखिए, अमन साहू के ऊपर एटीएस ने नजर बना रखा है और अमन साहू का गिरोह लोगों के ऊपर भी जो है एटीएस ने नजर बना रखा है। अब जैसे जैसे अमन साहू का गिरोह जो काम कर रहे हैं, वैसे वैसे जो एटीएस को मालूम चल रहा है, वैसे वैसे जो एक टीम इसमें काम कर रही है, उस टीम के द्वारा लगातार जो है अमन साहू का जो गिरोह है उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार करके न्यायालय की हिरासत में भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि अमन साहू का जो जेल से जो
सब राजनीति नचती है। राजनीति नचाने के बाद जो है अमन साहू का जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं अपराधी का घटना को अंजाम देने वाला रहता है। वो जो है एटीएस जो लगातार जो है अमन साहू का गिरोह लोगों को गिरफ्तार करने में सफल पा रही है। जी मुर्शीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एटीएस की टीम ने रांची, गुमला और रामगढ़ में छापेमारी कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनमें गुमला से शिव, रांची से रवि और रामगढ़ के पतरातो से अनु नाम के अलावा एक अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और बता दें आपको कि अमन साहू गिरोह के सभी सदस्य बताए जा रहे हैं। गिरिडीह केंद्रीय कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया मामले में गिरफ्तार इन्हें किया गया है। और गिरिडीह जेल में बंद अपराधी अमन साहू ने विशेष सुविधा नहीं मिलने के कारण जेल अधीक्षक का हिमानी प्रिया पर गोलीबारी की साजिश रची थी, हालांकि जिस पर एटीएस ने पूरी तरीके से पानी फेरा और इस घटना को अंजाम देने से पहले ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।